हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शाही पनीर, जो कि मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने चार इंग्रेडिएंट को तैयार कर लिया है। तो ये टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और बादाम और काजू का पेस्ट। तो अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो हमने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल डाल लिया है, 2 बड़ा चम्मच है। अब इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। तेल में डालने से बटर जलता नहीं है, तो मेल्ट हो रहा है। तब तक हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च और 1/2 टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटी बड़ी इलायची जिसको हमने कूट लिया है और 2-3 लौंग, तो इसे हम डाल के तेल में हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि जो खड़े मसाले का फ्लेवर जो होता है वो तेल में आ जाता है। तो अब हम इसके बाद प्याज डालेंगे। तो ये मैंने 4 मीडियम साइज प्याज को पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसे डालकर लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो इसे मैं अब अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी कलर आने तक। तो सब्जी बनाने का मेन तरीका यही होता है कि प्याज को हमें अच्छे तरीके से भूनना पड़ता है, तभी हमारी जो सब्जी बनती है वो टेस्टी बनती है। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे। तो इसे 5 मिनट लगेगा भूनने में। तो ये भून चुका है, देख सकते हैं आप, लाइट ब्राउन हो चुका है। इसके बाद मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। तो इसे भी मैं 1 मिनट तक भून लूंगी। तो अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ये मैंने 10 काजू और 5 बादाम को पेस्ट बना लिया था, अब मैं इसे भी भून लूंगी। 1 मिनट इसे भी भूनूंगी। तो इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो ये भी भून चुका है। अब इसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट डालूंगी। तो ये मैंने 3 बड़े टमाटर को पेस्ट बना लिया था, वो मैं अब डाल लूंगी इसमें और इसे मिक्स करके अच्छे से भून लूंगी। टमाटर को भी हल्का सा टाइम लगता है भूनने में और ये भून चुका है। अब हम इसमें सूखा मसाला डालेंगे। तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नॉर्मल खाने वाला लाल मिर्च पाउडर। तो अब हम इसमें डाल के भून लेंगे। इस वक्त हम पानी नहीं डालेंगे, सूखा ही भूनेंगे इसे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। तो मैं आसान तरीके से बता रही हूँ। तो अब हम इसमें मलाई डालेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं भून चुका है मसाला। तो ये मैंने 2 चम्मच मलाई डाला है, घर का है मलाई, आप कोई भी मलाई डाल सकते हैं। तो इसे भी मैं मिक्स करके हल्का सा भून लूंगी। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं भून चुका है सब कुछ इसमें। इसके बाद मैं 1 कप दूध डालूंगी, ये 250 ग्राम है। तो यहाँ पर मैं पानी भी डालूंगी। तो ये 1 कप दूध को मैं मिक्स कर लेती हूँ और मैं मुझे कम लगेगा तो मैं 1/2 कप पानी भी डालूंगी। तो मैं उसी कप से 1/2 कप पानी डालूंगी इसमें, गाढ़ा दिख रहा था। तो इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो फ्रेंड्स ये ग्रेवी उबलने लगी है। तो अब मैं इसमें पनीर डालूंगी, जो मीडियम साइज में मैंने कट कर लिया है। आप इसे किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 किलो पनीर अच्छे से कट करके इसमें डाल लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। तो
तो मैंने 2 चम्मच नमक डाल लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। अब तो मैंने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक के 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये शाही पनीर बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैं लास्ट में 1 चम्मच बटर डालूंगी। इस तरह की कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी हो तो उसमें 1 चम्मच बटर या 1 चम्मच घी डाल देने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो मैंने अब गैस बंद कर दिया है और इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक दिया है, जिससे कि वो बटर का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। तो अब मैं इसे फिर से देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसका आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो अब मैं इसे बाउल में सर्व करूँगी। तो इसे रोटी या चावल के साथ आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी से आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, अब मिलूंगी अगले रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।